इमेजिनेशन अर्थात कल्पना। कल्पना को ज्ञान के ऊपर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्पना ज्ञान से बड़ी है। किसी महापुरुष ने कहा है, कल्पना बड़ी है ज्ञान से, आप सुन लीजिए ध्यान से। कल्पना बड़ी है ज्ञान से, ये सुन लीजिए ध्यान से। ज्ञान कमाकर रोटी खाए, ज्ञान कमाकर रोटी खाए, कल्पना में ब्रह्मांड समाए। हेलो एवरीवन, दिस इज पद्माकर एंड यू आर ट्यून्ड इन टू अ ब्रांड न्यू शो ऑन पीडी साइंस लैब, इमेजिलेज। इमेजिलेज का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन और नॉलेज से ये बना है। पर ये दो वर्ड्स क्यों? बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ दिस शो इज इमेजिनेशन एंड द पर्पस इज नॉलेज। इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, उससे पहले आई वॉन्ट टू शेयर a bit of my knowledge and imagination with you. इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। उस महापुरुष का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे बाहर का बर्गर खाया तो मोटे हो जाओगे, घर का बर्गर खाया तो मोटे नहीं होगे। क्या साइंस है इसके पीछे? तो केमिस्ट्री में इसका जवाब है। जब हम मीठा खाते हैं तो स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है, दुखी होते हैं तो कम दुखी हो जाते हैं। मीठे में ऐसा क्या है? इसका जवाब बायोलॉजी देगा।
उत्तर दिशा में सर नहीं रखना चाहिए जब हम सोते हैं? इसका जवाब फिजिक्स देगा। ऐसे और कई सारे सवालों के जवाब लेके मैं हर संडे आ रहा हूं, जी हां हर रविवार, वादा नहीं है मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए। डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, लेकिन एक विनम्र निवेदन है कि आप एक कमेंट भेजिए इस वीडियो के नीचे, एक कमेंट भेजिए जिसमें आपका एक सवाल हो। ऐसा सवाल नहीं कि बर्मा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो गूगल आपको दे देगा जवाब। वो सवाल जो आपके दिमाग में कुछ टाइम से चल रहा हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो या ना हो, जिसका जवाब आपको गूगल पे भी ना मिले, कोई ऐसा सवाल साइंस के माध्यम से, साइंस के थ्रू मैं उसका आंसर दूंगा। बिकॉज एज आई से ऑलवेज, साइंस इज एवरीवेयर, और मैं ढूंढ के निकालूंगा साइंस में आपके सवाल का जवाब। तो मुझे इंतजार होगा आपके सवालों का, और हाँ हर रविवार एक सवाल या शायद दो, मैंने भी सोचा नहीं है, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय।